बराबर। मानी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलो। एक फॉर्मूला आपको और भी बताया था, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है एरिया ऑफ सेक्टर का विद द लेंथ ऑफ आर्क के साथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। व्हेनेवर यू विल डू द रिवीजन यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, आफ्टर दैट यू विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12.1 पेज नंबर 225, क्वेश्चन नंबर 1 12.1 सॉरी। रेडियस गिवन है दो सर्कल के, आपको एक बिगर सर्कल फॉर्म करना है जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है दोनों पहले वाले दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। बुक नहीं है आपके पास? डू फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड करो पहले। कृतिका क्या कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, करते जाओ।
अरमान क्या हुआ? विच क्वेश्चन? सेकंड वाले में जो एरिया है ना, न्यू एरिया दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द टू स्मॉल सर्कल्स, इसको ले लो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, पाई कॉमन, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर, इसका रेडियस पुट कर दो, स्क्वेयर करके ऐड कर दो, इसका रेडियस आ गया 10 आ रहा। After doing first exercise, do these three questions that I have to do. After completing the question done. Second, radius you are getting as 10 centimeter. Third sir, area of the gold region, then you will find the area of the red region. Red के लिए आप नहीं एक दो कर लो, बस clarity होनी चाहिए. Gold red find कर. Gold and red.
रेड का काम पहले, और जो बिगर सर्कल है रेड वाला उसका एरिया क्या आ रहा है? ठीक है, उसमें से गोल्ड वाले को मान ली माइनस कर 1.0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हील वाला है उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एन मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्या हुआ? 1.039.5। व्हील वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्पीड गिवन है, स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका? जो आपके पास स्पीड गिवन है ना 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 66 किलोमीटर, और किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 66,000 मीटर हो गया, और 1 आवर का मीनिंग क्या है? 60 मिनट। आपको 10 मिनट में फाइंड करना है, 10 मिनट में करना है, हाँ 10 मिनट में आपको 10 मिनट में बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 66/60 कितना हो गया? 1100। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 मिनट में इसको 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर्ड इज 11,000 मीटर इन 10 मिनट। पहले 1 मिनट का निकाल लिया, फिर 10 मिनट का निकाल लिया, डिस्टेंस कवर्ड आ गया। ये डिस्टेंस कवर आया आपका कि जितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, एन इंटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर ये है, n is the number of revolution और circumference is 2πr। radius given है आपके पास, diameter given है ना, diameter को change कर लो meter में, ठीक है? क्योंकि ये meter में है ना, तो उसको भी meter में change करो। कितना हो जाएगा? 0.40, ठीक है? पहले diameter का radius निकाल लो, वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड कर दो मीटर में आ जाएगा 0.40 मीटर, ठीक है? रेडियस आ गया, फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओगे n इनटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस होगी 2πr, दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गया। करो कंप्लीट इक्वेशन, here n is the number of revolution, आपने n ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, कहां तक डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस से डिवाइड करना। सर्कमफेरेंस इज 2πr, रेडियस इज 0.40। क्वेश्चन में किसी को डाउट है? स्पीड की ना, स्पीड को आपने डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर की है, 1 आवर मतलब 60 मिनट में, फिर 1 मिनट में, फिर 10 मिनट, डिस्टेंस आ गया। तो फॉर्मूला लगाना है, n इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस आपके पास है 11,000, सर्कमफेरेंस यू कैन फाइंड बाय यूजिंग द गिवन रेडियस।
and radius is 0.40 meter. डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आते हैं. जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में आपसे नहीं होंगे और प्रैक्टिस के बिना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा याद रखना. क्या हुआ कृतिका क्या पूछ रही ये डिस्टेंस आ गया ना तो फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस इक्वल टू डिस्टेंस. सर्कमफेरेंस फाइंड करके आप उत्तर दो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइड कर रोल नंबर 9 18 21 30 32 33 34 38 43 44 20. नेक्स्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर और एरिया इक्वल गिवन है. गिवन है इक्वल रेडियस आ जाएगा 2 यूनिट्स क्वाड्रेटिक बन रही है आर 0 और 2 आर डबल आंसर है. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 करो एरिया ऑफ रिंग फाइंड करो. Area of the ring between the two concentric circles of radii 12 and 15. Area of ring ये find करना है जैसे area of red region find किया था ना ये red region है इसका area find करना. Area of outer circle minus area of inner circle. Take pi common, apply the formula pi capital R square minus pi small r square. Apply this formula and get the answer.
Answer of this first question is मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया 20,000 कर लो नेक्स्ट कर लो लेकिन आप अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना एग्जाम में पॉइंट में हो तो पॉइंट में कर लेना फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में पाई में हो तो पाई में कर लेना जैसे ऑप्शंस हो वैसे कर लेना क्योंकि अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है कैसे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना ये फाइंड कर लिया सबने कर लिया फाइन फर्स्ट क्वेश्चन नहीं ये क्वेश्चन करो बाकी किसका द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल सेमी सर्कल का पहले निकालना है एरिया एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 और इसका पेरीमीटर होगा अच्छा दो चीजें होती हैं ध्यान से सुनो एक होती है सर्कमफेरेंस इसमें सिर्फ कर्व्ड वाला पोर्शन लेते हैं और एक होता है पेरीमीटर पेरीमीटर में ही सब कुछ आ जाता है उसमें ये आ जाएगा पाई आर और ये आ जाएगा डायमीटर पाई आर प्लस डी की जगह 2R भी ले सकते हैं हाँ जी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर वैसे क्या होती है 2πr होती है ना सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr उसका हाफ कर दिया आपने तो ये क्या आएगा पाई आर प्लस डायमीटर तो पाई आर प्लस डी पेरीमीटर में आएगा पाई आर प्लस डी एरिया 308 इसका आंसर है 308 and 72 बाकी नेक्स्ट स्टार्ट करो सेकंड थर्ड क्वेश्चन आवाज बंद करो हाँ जी लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल इज गिवन लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल है इसकी लेंथ ऑफ आर गिवन है मतलब क्या गिवन है क्या गिवन है सेमी सर्कल की लेंथ ऑफ आर गिवन है 66 मतलब ये गिवन है कि ये भी गिवन है सिर्फ ऊपर वाली लेंथ ऑफ आर मींस सर्कल का आउटर पोर्शन ये गिवन है पाई आर ये क्या गिवन है पाई आर गिवन है 66 फाइंड कर लो रेडियस जो रेडियस आएगा उससे पेरीमीटर और एरिया निकालो अब पेरीमीटर किसका निकालना है सेमी सर्कल का एक्चुअली बात ही सेमी सर्कल की करना है कहीं पे भी सर्कल तो कहा ही नहीं उसमें तो सेमी सर्कल का ही पेरीमीटर निकालना है दैट इज पाई आर प्लस डी और उसी का ये निकालना है एरिया ठीक है करो ठीक है करना क्यों है बात तो वही बन जाती है तो सीधा पाई आर क्यों नहीं लगा रही वैसे 180 है वही हाफ ही हो जाना है लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि पाई आर होता है ना तो पाई आर है राज क्या हुआ क्वेश्चन करो
थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल. जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, जैसे ये सर्कल है, इसमें कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लेंथ ऑफ आर्क बनती है. अब आपको कह रहा है सेमी सर्कल है उसकी लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये हो गया, ये क्या है, सर्कमफेरेंस का हाफ. सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr. 2πr का हाफ करोगे क्या आ जाएगा, पाई आर. मतलब पाई आर की वैल्यू गिवन है. यहाँ से रेडियस निकालो, कितना आ रहा है, रेडियस 21 आ रहा है. रेडियस आ गया 21. नाउ वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. लिखा नहीं हुआ, लिखा है पेरीमीटर एंड एरिया. किसका हम बात किसकी कर रहे हैं, सेमी सर्कल की. उसका पेरीमीटर निकालना क्या होता है, पाई आर प्लस डी. अब पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस की नहीं. सर्कमफेरेंस कहता था पाई आर लेते सिर्फ, लेकिन पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब पाई आर प्लस डी इज द डायमीटर. तो आप पाई आर दोबारा मत फाइंड करो, आप यही वाला यूज कर लो. पाई आर 66 हो जाएगा प्लस डायमीटर, डायमीटर इज डबल ऑफ दिस, दैट इज 42. तो इसको प्लस करके क्या आ जाएगा, 108. इसका डबल कर दोगे ना, 42 प्लस 8, 108 आ जाएगा. फिर फाइंड करना है एरिया. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, उसका हाफ कर दो, पाई आर स्क्वायर बाय 2. कितना आ रहा है आंसर, 693. जिन्होंने फाइंड नहीं किया पहले फाइंड करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना. इसका आंसर में रेडियस आ रहा है 21, पेरीमीटर आ रहा है 108, एरिया आ रहा है. What is the area of a circle that can be inscribed in a square? Inscribed means inside. कौन inside है? Circle. Circle is inscribed in a square. Circle अंदर है square. ठीक है ना? आपकी मर्जी है. आप बताओ कैसे करोगे. बनाओ, फिगर बनाओ. कैसे बनानी है, सर्कल बनाना है स्क्वायर के अंदर. सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6. ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6. बस निकालोगे, इजी है. इसमें क्या है, आप फाइंड करो आंसर बताते. उन्होंने 9 पाई लिखा हुआ, वही होगा, 22 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 19 होगा. आवाज बंद करो बिल्कुल, डिस्कस करके एग्जाम में कुछ नहीं बनना आपका, अपने आप करो जो भी करना. क्या किया था, एरिया ऑफ सर्कल लगाना, सेक्टर पे लगाना. What is the area of a circle that can be inscribed in a square? Area of circle का formula लगाना सीधा, pi r square by pi r square. Radius कितना है? बस. और तो कुछ करना ही नहीं. Sector का area क्यों निकाल रहे हो? और अगर sector का निकाल भी लेते हो ना, theta कितना लेते हो?
तो फिर तो आप क्वाड्रेंट का निकाल रहे हो, उसको फोर टाइम्स कर दो कटिंग हो जाएगी। अगर आप एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हो, आपने सर्कल का निकालना है, क्वाड्रेंट जो होता है वो फोर्थ पार्ट होता है, तो क्वाड्रेंट का फोर टाइम्स कर दो सर्कल का एरिया आ जाएगा, तो फोर के साथ मल्टीप्लाई करोगे बात करिए, और वैसे करना ही क्यों है, सीधा लगाओ एरिया ऑफ सर्कल, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीधा हो रहा है ये करो। सेम है इसका रिवर्स भी है, आपको यहाँ पे सर्कल अंदर था और वहां पे स्क्वायर अंदर है सर्कल, ये अलग है दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पे सर्कल के अंदर स्क्वायर बना लो, अब क्या करेंगे, अब ये देखो हाँ डायगनल बनेगा यहाँ पे, ये 12 है, ये भी 12, 24 हो गया, ये 24 क्या है, डायगनल है, और स्क्वायर की साइड क्या होती है, सेम होती है, इसे x ले लो, इसे भी x ले लो, ठीक। और कोई तरीका है, क्या करोगे सर्कल, हाँ वो हो जाएगा, उससे हो जाएगा, बेनिफिट भी होगा, निकाल तो जो मर्जी लो, लेकिन इसमें डायगनल आ गया, साइड इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स फाइंड करो, साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगी, उसका एरिया निकालो, साइड निकालनी जरूरी है ना, साइड के बिना तो हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 576, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कर दो उसका क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट आ गया साइड स्क्वायर, अब ये ना करना कि इसमें पहले साइड निकालो स्क्वायर रूट करके फिर स्क्वायर करो, ये आ गया सीधा आंसर, ठीक है लिख देना ये क्या है साइड स्क्वायर, और ये क्या होता ही है साइड स्क्वायर ही होता है कि सीधा एरिया, अगर साइड कहेगा फाइंड करो तो फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, एरिया कहेगा तो सीधा छोड़ देगा,